दरोगा जी हल्का इंचार्ज फोन आए सवेरे सवेरे 7:30 बजे को टाइम, तो भाई लोगों ने उनके फोन आए 100 नंबर के लिए फोन करो, 100 नंबर गई के भाई ने मतलब 100 नंबर भी नहीं गई ना ना। दरोगा को फोन करा? हाँ दरोगा जी को फोन बंद है। तो आप आपके कौन है? सगा भाई है, मंजिला भाई। और केजी इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। आखिर क्या रही दिन भर की हलचल, आइए हम आपको दिखा रहे हैं। और जमीनी विवाद में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खलील गर्बी में भाई ने बहन के परिवार को जमकर पीटा। हालांकि कनीज ने विस्तार से बताया कि मकान का विवाद था, जिसको लेकर उसके भाई ने अपने बहनोई और भांजे और बहन को बेरहमी से पीटा। हालांकि पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा और मुजरिमानों के खिलाफ जांच की जा रही है। और उधर थाना कटरा के छकड़ापुर में बहोरन को परिवार के लोगों ने जमकर पीटा, लाठियों से इतना जबरदस्त पीटा कि बहोरन सिंह की मौके पर मौत हो गई। हालांकि हमने जब परिवार वालों से पूछा तो परिवार वालों का ये कहना था कि बहोरन सिंह का मेड़ का विवाद था, लेकिन बहोरन सिंह के जो रिश्ते के भाई लगते उमेंदर, धर्मेंदर, देवेंदर और शिवोम ने सुबह होते ही घेर लिया और घेरने के बाद लाठी डंडों से बहोरन सिंह को बेरहमी से पीटा। हालांकि बहोरन सिंह के परिवार वालों का ये कहना है कि हमने पुलिस को सूचना दी, सबसे पहले 100 डायल को फोन करा, पुलिस नहीं आई, फिर हमने हल्का इंचार्ज दरोगा को फोन करा, वो भी नहीं आए, तो हम बहोरन सिंह को घायल अवस्था में लेकर कटरा थाने पहुंचे, लेकिन बहोरन सिंह ने रास्ते में दम दे दिया। हालांकि कटरा थाने पहुंचने के बाद बहोरन सिंह के शव को पोस्टमार्टम करके पोस्टमार्टम हाउस पर भेजा, लेकिन हमने जो परिवार वालों से पूछा तो क्या कहना है उनका, सुनते। पाल सिंह ये बताओ किस बात को लेकर हत्या हुई और क्या मामला था? कल 4 बजे बाद विवाद कुछ हुआ मेड़ के पीछे, इन्होंने अपना मकान बनवाया वहीं खेत गांव किनारे खेत है। किसने? राम बहोरन। तो नीफ ही खोदी, आज 15-20 दिन हुए नीफ मतलब भरे भरे। कल लिए गए थे 4 बजे उल्डी का गांव देविंदर, तो उसने कहे कि हमारी मेड़, तुमने मेड़ उठाई दी, ठीक है, तो इन्हें कि मेड़ उठाई तूने 15 दिन हुए गए, तो इन्हें नायाब तक कुछ कही, अब मेड़ होने भैया हम तो मेड़ छोड़ दई हैं, तो इसने गाली उली दई देविंदर, तय उनने उसके चनकोटे उनको तो कुछ मात दो हुई। अच्छा तब है इनने इसको बोलो भैया जो धर्म देविंदर ओमिंदर उसने कही हम जल्लो मान नहीं डरी तलो चैन नहीं ली, सवेरे जो भैंसिया बांधने गए होने पड़ोस हम खेत होने बाई जगह बस भैंसी बांध बिने लठिया लो चारों लोग खत्म। किसने किसने मारा? देविंदर ओमिंदर धर्मिंदर और वो लड़का तो शिवम। किस चीज़ से मारा? लाठी। बताओ इससे पहले कोई विवाद हुआ था? नहीं नहीं कभी कोई विवाद है ना, बस इतनी सी बात, बस इतनी कोई विशेष बात नहीं थी। मतलब उसने इन्होंने बस चनकट मार दिया, चनकट का बदला उसको बस। हाँ पुलिस पहुंच गई थी? पुलिस अब गई हुई मतलब अब हम लोग थी नहीं, जब घटना जिस समय इनकी हत्या वहां पर हो गई तो नहीं, तो हम गाड़ी भी ला ले आए, तूने कहाँ लाए थे? कटरा थाने। अच्छा फिर कटरा थाने में खत्म हुई, जब अस्पताल जब तक लाए तब तक खत्म हुई। अच्छा मौके पे आपने पुलिस को सूचना नहीं दी थी परिवार वालों ने? पुलिस सूचना का दरोगा जो हल्का इंचार्ज फोन आए सवेरे 7:30 बजे को टाइम, तो वे लोगों ने उनके फोन आए 100 नंबर के लिए फोन करो, 100 नंबर गई के भाई ने, मतलब 100 नंबर भी नहीं गई ना ना। दरोगा को फोन करा? हाँ दरोगा जी को फोन बंद है। तो आप शव को लेके वो घायल को लेके वहाँ थाने आ गए? थाने आई गए तुरंत। तो बहोरन ने वहीं पर दम दे दिया थाने में? थाने में हाँ, थाने से तो अस्पताल में गए, फिलहाल बोल तो वहीं नहीं थे, जब गाड़ी बुला दो तब ही नहीं बोल। तो क्या सर में गंभीर चोटें हैं? हाँ सर मतलब मारो उनने लठियाओ तो सर ही फोड़ दो सब, और कहीं चोट होट हो तो जाती जानकारी ना। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी 42 साल। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.